नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के जेएनडी इंजीनियरिंग कॉलेज में दो गुटों में हुए विवाद के खिलाफ बीजेपी और अन्य संगठनों की ओर से निकाली गई विरोध रैली। अवैध धन हस्तांतरण मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा, एसआईटी जांच पर जताई आपत्ति, सीबीआई जांच की मांग। कर्नाटक के दावणगेरे में केआरआईडीएल ठेकेदार की आत्महत्या, मंत्री प्रियांक खड़गे ने मामले की जांच के लिए बनाया पैनल। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का हो रहा है मतदान। 4 जून को होगा एक नया सवेरा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा, बोले बनने जा रही है इंडिया की सरकार। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा, ईवीएम तालाब में फेंकी, जादवपुर में देसी बम से हमला। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों बीदर के जेएनडी इंजीनियरिंग कॉलेज में दो गुटों में हुए विवाद के खिलाफ आज शनिवार 1 जून को बीजेपी और हिंदू परा संगठन समिति और सकल समाज समिति की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला उस्तुवारी कार्यालय से लेकर अम्बेडकर की ओर चले और वहां से डीसी कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली गई और डीसी को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, बीजेपी नगर अध्यक्ष शशि होसड़ी, पुष्प कल्याण के विधायक शरण सलगार, बाबू वाली, रघुनाथ राव मलकापुरी, रेवंत सिद्धप्पा जलादे, शकुंतला बिलदाड़े, वोमनी गौतम, ईश्वर सिंह ठाकुर, बसवराज पवार और अन्य लोग शामिल थे। इस अवसर पर सभी ने कॉलेज के छात्रों पर किए गए काउंटर केस को कैंसिल करने की मांग की। केबी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಇಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು 17 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ 17 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಹೊರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಕೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದೆವು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಶಹೀನ್ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಸಲ ನಮಾಜ್ ಬೀಳ್ತಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಸಲ ನಮಾಜ್ ಬೀಳ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ 2,000-3,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದಿನೂ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ इंजीनियरिंग कॉलेज में सी तो महिलाओं ने कहा कि अगर भगवान राम का गाना हमारे कॉलेज में नहीं गाएंगे तो क्या राम का गाना पाकिस्तान में गाएंगे क्या? आज जो मानसिकता तैयार हो रही है और कॉलेज के अंदर जिस तरह से हमला हुआ है, जिस तरह से बच्चों के ऊपर हमला हुआ है, ये सोची समझी चाल के तहत हुआ है और उस कॉलेज के अंदर पूरे लोग समवस्त्र में हैं और बाहर से आने वाले गुंडे उनके वेश में हैं। इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। मैं जिला प्रशासन को कहना चाहता हूँ, बीदर के अंदर जब से रहीम खान मंत्री बना है तब से ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ಜಾದಾ ಹೋಗಿದೆ. ಆಪಿ ಗುಂಡಾ ಪೈದಾ ನಹಿ ಕರ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿಗಳು ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಾಂತತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಹಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ಬೇಕು. ರಹೀಂ ಖಾನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ನಿನಗೆ 4 ಸಾರಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿ ಸಾಕಾಗಿಲ್ವಾ? ನಿನ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ನಿನ್ ಮಗನಿಗೆ ತಂದು ಎಬ್ಬಿಸ್ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ನೀನು ನಾನು ಹೇಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಏಡ ಆಗಿ ಪೇಡ ತಿಂತಾನವನು, ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾಡಿ 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಅವನು ವ್ಯಾಮೋಹದಾಗ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ.
देर दुरुस्त कल दिन हिंदे बेंगलूर हनुमान चालीसा सच्चिद युवक मेले रीतिया हल्ले नडेदित्तु चामराजपेटेयल्लि अवत्तु सरकार कण मुच्चिकोंडु ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜಿಹಾದಿ ತಾಕತ್ತುಗಳು ಇವತ್ತು ತಲೆ ಎತ್ತಾ ಇವೆ. ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಗಿತ್ತಿರಬಹುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅನ್ನುವವನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂದಿಲ್ಲ, ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹತ್ರ ಕುಂದಿಲ್ಲ, ನಾ ಇವ್ರ ಮನೆ ಕುಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗಬಲ್ಲಿ ಹಾಡ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಗ ಕುಂದಿದ್ರು. ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಅವ, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಹಂಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ 15 ಹುಡುಗರು ಹೊರಗಿನ ಬಂದರು, ಅದು ಹಂಗ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇಂದಪ್ಪೇ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರೋದಂತ ಹೆಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? 29 को हमारे कॉलेज में फेस्ट था, ई बस दीदी ने जैसे बोला, तो उस दिन हम जय श्री राम गाने पे नाच रहे थे, तो उनको क्यों दिक्कत होना इस बात से? जय श्री राम भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? भाई कह रहे हैं हमको हमारे कॉलेज में सेफ फील नहीं होता है, इसीलिए जो जो लड़के हमारे जो झगड़ा हुआ है उनके साथ वो लोगों का टीसी निकाल के उनको कॉलेज से निकाल दे, हमारे यही मांग है. भारत माता की. गुरु नानक देव कॉलेज में जो दुर्घटना हो गई, वो घटना के लिए आज हमने सारे जो बीदर के हिंदू पर संगठन और भाजपा के नेतृत्व में आज हमने ये प्रतिभटन किया है. उस कॉलेज में जो हमारे हिंदू विद्यार्थी हैं उन्हें खुशी में मजे में जय श्री राम और जय श्री राम का गाने गाते समय कहीं गुंडों ने आकर उनके ऊपर हमला किए, ये जो बहुत अन्याय की बात है. इसके पीछे जो है यहाँ के शासक, यहाँ के विधायक और मंत्री रहीम खान और उसके बेटा इरशाद खान का जो सपोर्ट है, इसके लिए घटना हो गई है. इसलिए ये जो बीदर की भूमि है, ये धरती है, ये विश्वगुरु बसवण्णा की धरती है, हर जगह इधर प्रभु श्री रामचंद्र की. बीदर के मयूरा वरिष्ठाई होटल में विविध संगठनों के लोगों की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें एमएलसी चुनाव के लिए स्वतंत्र अभ्यर्थी चरण बसप्पा एम सोबर का समर्थन करने की बात कही गई. इस अवसर पर नागेंद्र दास पंडे, राजकुमार मूल भारती, महेश कोनालकर, राजकुमार गुणाली, वीर शेट्टी दीने के अलावा अन्य उपस्थित थे. केपी न्यूज के कैमरामैन कुकुराज का कवरेज. सर आज का दिन हम माध्यम के ओर से अपील कर रहे हैं कि जो ईशान पदवीधर का जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव में हमारे दलित मूवमेंट से आईएसओ चरणप्पा पी सुगर ने एक मूवमेंट से आईएसओ कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट को हमारे जो भी पदवीधर मतदार जो है बहुत उनका कीमती वोटिंग है, और वो वोटिंग को हम अपील करते हैं कि ये अच्छा एक मूवमेंट करने वाला लीडर्स है, और वो ऑलरेडी बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट ने एक एक बार जीत के चुके हैं, और कई उन्होंने असेंबली के अंदर कई हमारे ये मूवमेंट के ये एरिया के बारे में उन्होंने बात नहीं कर सके, तो अभी और वही दोनों कैंडिडेट अभी ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो असेंबली सिस्टम, असेंबली इलेक्शन सिस्टम जब से शुरू हुआ 1972 से लेके 2024 तक, इन 50 साल में पहली बार शेड्यूल कास्ट का आदमी चुनाव के कण में है. हमारा अपील है
जो पहला एक आदमी जो हिम्मत से आगे आया है, इसको जो है हमारा समर्थन देना हम सभी का कर्तव्य है। शरणप्पा पी सुगुर ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आया सो आदमी नहीं है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से ठहरा हुआ है। हमारे साथी शरणप्पा सुगुर साहब को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर पूरा उनको सपोर्ट करता है और पूरे हमारे कल्याण कर्नाटक के पूरे मतदार बाधाओं को हमारा रिक्वेस्ट है कि वो अकेला आदमी स्ट्रगल करने वाला आदमी है, बहुजन चलोले और दलित संघर्ष समिति का कार्यकर्ता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको प्रचंड बहुमत से उनको जिता के ले आना है। और अगर उनको जिताया बोले तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को रेस्पेक्ट दिया सर का होता है और संविधान को रेस्पेक्ट दिया सर का होता है। इसीलिए पूरे हमारे कल्याण कर्नाटक के पूरे लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, सभी अपर कास्ट जो लोअर कास्ट कौन से भी हमारे एससी एसटी जात वाले के लोगों को और मतदारों को रिक्वेस्ट है, ये आदमी को अगर दिए तो हम संविधान को एक बचाव कर सकते हैं और पैसे वाले को एक सबक सिखाने का एक मौका है। अगर कल कोई भी आदमी कौन सा भी एक टीपी है जिला पंचायत में भी रुकने के लिए एक ताकत तो आगे तो बढ़ने को उनको एक मौका मिलता, इसलिए पूरे से पूरे लोग जो कर्नाटक सरकार ने एक दिन पहले ही महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड में हुए अवैध धन हस्तांतरण के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। हालांकि भाजपा ने इस मामले में एसआईटी जांच पर आपत्ति जताई, साथ ही मांग की है कि मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया जाए। दरअसल कॉरपोरेशन बैंक के खाते से अवैध तरीके से 88.62 करोड़ रूपये की भारी भरकम रकम का हस्तांतरण किया गया था। बैंक के अकाउंट अधिकारी चंद्रशेखर पी की आत्महत्या के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। बैंक अधिकारी ने मरने से पहले एक नोट भी छोड़ा था जिसमें कॉरपोरेशन बैंक के निलंबित एमडी जेजी पद्मनाभ, अकाउंट अधिकारी परशुराम जी, दुर्गन्नावार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य मैनेजर शुचिस्मिता रावल का नामों का जिक्र किया गया था। नोट में ये भी लिखा है कि मंत्री ने फंड हस्तांतरित करने का मौखिक आदेश दिया था। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है और मामले की जांच की मांग की है। साथ ही भाजपा ने अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की भी मांग की है। भाजपा के आरोप है कि मंत्री नागेंद्र का इस घोटाले से सीधा संबंध है। महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला आईपीएस अधिकारियों एएसडी पेनेकर और सीमा लाडकर के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने गिरफ्तार किया। सूत्रों का कहना है कि पीड़िताओं को प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए ऐसा किया गया ताकि वे डरे नहीं और खुलकर अपनी शिकायत दर्ज करवाए। 35 दिन बाद जर्मनी से बृहस्पतिवार देर रात बेंगलुरु लौटे प्रज्वल को जीप में से आईडी दफ्तर ले जाया गया। जीप में भी केवल महिला पुलिसकर्मी ही थी। सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल का मोबाइल फोन और लगेज एसआईटी ने जब्त कर लिया है। वही मोबाइल फोन और उनके आवास के नमूने को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि प्रज्वल ने अपने फोन से सभी सबूत नष्ट कर दिए हैं। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खड़गे ने शुक्रवार को दावणगेरे में एक ठेकेदार की मौत के संबंध में केआरआईडीएल के खिलाफ आरोपों पर एक रिपोर्ट सौंपने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति के गठन का आदेश दिया। मंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडीपीआर अंजुम परवेज से मामले पर रिपोर्ट मांगी है। प्रियांक ने एक ट्वीट में कहा, मैंने एसीएस आरडीपीआर को केआरआईडीएल पर लगे इन आरोपी की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। केआरआईडीएल एक इंजीनियरिंग निगम है और उप ठेकेदारी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7 रहे
एबीपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते समाचार। 2024 देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के सातवें चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटर्स वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे। अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 और ओडिशा की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सातवें और अंतिम फेज में यूपी की हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी पर भी वोटिंग हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सभी 57 सीटों पर अब तक सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया। सुबह 11 बजे तक 26.3% फीसदी मतदाताओं ने मतदान किया। 9 बजे तक 11.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। देश में 57 लोकसभा सीटों के लिए शनिवार को मतदान हो रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि 4 जून को एक नया सवेरा होने वाला है। आज लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का अंतिम दौर है। गौरतलब है कि शनिवार को मतदान समाप्त होने के उपरांत वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद 4 जून को वोट की गिनती होगी। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से कहा, मुझे गर्व है कि झुलसा देने वाली गर्मी में भी आप सभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वोट देने निकले। आज भी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी इस सरकार पर अपने वोट से अंतिम प्रहार जरूर कीजिए। 4 जून का सूरज देश में एक नया सवेरा लाने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत आज देश भर के कई राज्यों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिल रही है। दक्षिण 24 परगना के कोलतली में ईवीएम और वीवीपैट मशीन को पानी में फेंकने की खबर सामने आई है। भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट को पानी में फेंक दिया। यह घटना कोलतली के बूथ नंबर 40-41 की है। सातवें चरण के चुनाव के दौरान हुई हिंसा में कोलेरहाट में आईएसएफ सीपीआईएम के कई समर्थक घायल। इस हमले का आरोप तृणमूल समर्थकों पर लगाया जा रहा है। हमले में देसी बम के इस्तेमाल की भी खबर आ रही है। फिलहाल स्थिति से निपटने के लिए कोलेरहाट थाने के पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। चेन्नई से मुंबई के लिए जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी मिली है, जिसके बाद शनिवार सुबह तकरीबन 8:40 पर मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर की गई। दरअसल क्रू मेंबर को फ्लाइट में एक नोट मिला जिसमें लिखा था, डू नॉट लैंड बॉम्बे यू लैंड बॉम्ब ब्लास्ट। इसके बाद दहशत फैल गई। क्रू ने तुरंत पायलट को सूचित किया जिसने संदेश को मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचाया। हालांकि फ्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड कर गई है और यात्रियों को आइसोलेशन वे में उतारा जा रहा है। इंडिगो ने बयान में कहा कि चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E5314 को बम की धमकी मिली थी। मुंबई में उतरने पर क्रू ने प्रोटोकॉल का पालन किया और सुरक्षा एजेंसी के दिशा निर्देशों के अनुसार विमान को आइसोलेशन वे में ले जाया गया। सभी यात्री विमान से सुरक्षित उतर चुके हैं। विमान की अभी जांच चल रही है। सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को वापस टर्मिनल क्षेत्र में रिपीट ले जाया जाएगा। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर राजस्थान के झालवाड़ा जिले में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। झालवाड़ा जिले में श्री छत्रपुरा स्टेशन के पास पटरियों दौड़ती हुई एक मालगाड़ी के डिब्बों में अचानक आग धधक उठी। मालगाड़ी से आग लपेटे उठती देखकर ट्रेन स्टाफ के होश उड़ गए। मालगाड़ी में आग की सूचना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। बाद में तत्काल ट्रेन को रोका गया। भवानी मंडी और रामगंज मंडी से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकलों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी में आग लगने की घटना आज अल सुबह हुई। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते समाचार। इंदौर के एक योगा केंद्र में
मां तुझे सलाम पर प्रस्तुति देते हुए रिटायर्ड फौजी बलविंदर सिंह छाबड़ा का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। परफॉर्मेंस देते हुए वे जमीन पर गिर पड़े, लेकिन वहां मौजूदा लोग एक्टिंग समझकर तालियां बजा रहे थे। बाद में पास खड़े एक शख्स ने उनको उठाने की कोशिश की तो पता चला कि वे बेसुध हो गए, जिसके बाद उनके मृत घोषित कर दिया गया। नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली मलाला यूसुफजई ने एक्टिंग में डेब्यू कर लिया है। यह ब्रिटिश सिटकॉम वी आर लेडी पार्ट्स के दूसरे सीजन में दिखाई दे रही है। इसमें उन्होंने कैमियो किया है। टीवी शो से उनका लुक और सीन तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में पाकिस्तानी एक्टिविटीज मलाल का कॉवबॉय हैट पहने और घोड़े पर सवार देखा जा सकता है। मलाला वी आर लेडी पार्ट्स सीजन 2 के एपिसोड मलाल मेड मी डू इट में अंजना वासन, सराहा कामिला इनपे, जूलियट मोटामेड, लूसी शॉर्ट हाउस और फेथ ओमल के साथ दिखाई दी। वी आर लेडी पार्ट्स सीजन 2 दूसरे एपिसोड में टाइटल सॉन्ग भी देसी स्टाइल में देखने को मिला। वी आर लेडी पार्ट्स का दूसरा सीजन 30 मई को प्रीमियर हुआ। शो रनर निदा मंजूर के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने खुलासा किया कि मलाला को एक लेटर के माध्यम से शो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर के जे एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में दो गुटों में हुए विवाद के खिलाफ बीजेपी और अन्य संगठनों की ओर से निकाली गई विरोध रैली। अवैध धन हस्तांतरण मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा, एसआईटी जांच पर जताई आपत्ति, सीबीआई जांच की मांग। कर्नाटक के दावणगेरे में केआरआईडीएल ठेकेदार की आत्महत्या, मंत्री प्रियांक खड़गे ने मामले की जांच के लिए बनाया पैनल। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के सातवें चरण का हो रहा है मतदान। 4 जून को होगा एक नया सवेरा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा, बोले बनने जा रही है इंडिया की सरकार। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा, ईवीएम तालाब में फेंकी, जादवपुर में देसी बम से हमला। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।